हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखते हैं आज की हमारे मिसलेनियस जीके के क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर कैप्टन टू विन 100 मैचेस इन आईपीएल हिस्ट्री। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आईपीएल इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए थे। बताइए इनमें से कौन से कैप्टन रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में जो है हिस्ट्री क्रिएट की है 100 मैचेस जो है जीतकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, इसका सही आंसर होगा सी, एम एस धोनी इज द राइट आंसर। ये हिस्ट्री क्रिएट की थी MS धोनी ने, उन्होंने 100 मैचेस जीते हैं आईपीएल में। अब हम मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये हैं MS धोनी, ये आप सभी को पता ही होगा, काफी फेमस पर्सनैलिटी है क्रिकेट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विन द प्लैटिनियम ऑफ वेब रत्न अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018। प्लैटिनियम अवार्ड इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने जीता था, आपको ये बताना है। जो वेब रत्न अवार्ड होते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 में, जल्दी से बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने जीता था प्लैटिनम अवार्ड। प्लैटिनम आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल ए इसका सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने जो है वो प्लैटिनियम ऑफ वेब रत्न अवार्ड जीता था, ए इसका सही आंसर होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ गोल्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने जीता था और सिल्वर जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने जीता था। ये है कैटेगरी है वेब रत्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और प्लैटिनम हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये जो है विन किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने, और गोल्ड जो है वो मिला था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, और सिल्वर अवार्ड जो है वो मिला था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड भरतनाट्यम ओरिजिनेट। आपको बताना है भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो कौन से राज्य में हुई थी। हाँ जी बताइए कौन से राज्य में हुई थी भरतनाट्यम की उत्पत्ति। कल ही मैंने आपको क्लासिकल डांस कराए थे, इंडिया के क्लासिकल डांसेस, उसमें एक भरतनाट्यम भी था, तब मैंने आपको इसकी स्टेट भी बताई थी कि भरतनाट्यम जो है वो कौन सी स्टेट का डांस है, तो वहीं पे इसका ओरिजिनेट ये हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिए, जी बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका ओरिजिनेशन जो है वो ये ओरिजिनेट हुआ था तमिलनाडु में, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। तमिलनाडु में भी पर्टिकुलरली ये कहाँ पे हुआ था, तंजावुर में हुआ था, तंजावुर। पहले ये डांस जो है ये टेम्पल में ओरिजिनेट हुआ था, टेम्पल डांस होता था ये, टेम्पल डांस हिंदू जो टेम्पल होते हैं वहां पे ये डांस परफॉर्म किया जाता था, उसके बाद ये पूरे साउथ इंडिया में फैल गया था, साउथ इंडिया। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें किस तरह के कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, और ये है हमारा भरतनाट्यम का एक पोज है ये, और इस तरह के कॉस्ट्यूम जो है वो भरतनाट्यम जब परफॉर्म होता है पहना जाता है, और इस डांस के लिए एक हर्रिय डांस जो है वो भी वर्ड यूज होता है, एक हर्रिय। अगर आपसे पूछा जाए एक हर्रिय जो है वो कौन सा डांस है, एक हर्रिय जो है वो हमारा भरतनाट्यम डांस के लिए ही यूज होता है, और इसमें जो है लिप मूवमेंट नहीं होती है, जो भरतनाट्यम डांस होता है उसमें लिप मूवमेंट नहीं होता है, आप हस्त मुद्राओं से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही अपने डांस को परफॉर्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत की संसद द्वारा पारित GST संविधान संशोधक विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। सबसे पहले जिन्होंने GST बिल जो है वो पास किया था, आपको स्टेट का नाम बताना है। हाँ जी, सबसे पहले ये पास किया था असम ने, असम इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे असम की कैपिटल भी बताइए, असम की कैपिटल क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच स्टेट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लोकेटेड। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो कौन से राज्य में है। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बनारस देखते ही समझ गए होंगे। बनारस जो है वो बहुत फेमस सिटी है, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बनारस के लिए हम वाराणसी भी यूज करते हैं,
और वाराणसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र मोदी की, तो इसलिए वैसे भी बहुत चर्चा में रहती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ आप मुझे BHU बताइए, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी और किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफी इम्पोर्टेंट है, तो बताइए कब ये एस्टेब्लिश की गई थी और किन्होंने की थी। बिल्कुल सही, ये जो है एस्टेब्लिश की गई थी 1960 में, और किन्होंने की थी, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने। एनी बेसेंट एंड मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में उससे पहले मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फोटो दिखा देती हूँ। इस तरह से दिखाई देती है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जो सोलर रूफटॉप में इंस्टॉलेशन हुई है, वो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी स्टेट में हुआ है, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। तो जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसमें। जी बिल्कुल, गुजरात में। गुजरात इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने ए दिया है आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। निम्नलिखित में से कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए खेलने वाला सबसे युवा खिलाड़ी है, बताइए। हाँ जी, कौन है इसका सही आंसर, क्या होगा सेवेंथ का। बिल्कुल सही, सी इसका सही आंसर है। इनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में खेले हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ का है हमारा सी। और इन्होंने अपना डेब्यू कौन सी कंट्री के अगेंस्ट किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेब्यू इनका कौन सी कंट्री के अगेंस्ट हुआ था, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका। और 18 ईयर की एज में ही इन्होंने अपना फर्स्ट मैच खेला। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, वॉशिंगटन सुंदर की। ये है वॉशिंगटन सुंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद। जो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की है, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, जल्दी से बताइए। एट का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, ए इसका सही आंसर है। 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू द अर्बन यूथ फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अर्बन यूथ बिलोंग करता है, उनके लिए 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो रहेगा हर साल। तो ये है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना जो MP की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पोस्थ्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए। पोस्थ्यूमसली इनको अवॉर्ड दिया गया है, इनको भारत रत्न दिया गया है 2019 में। तो इस पर्सनैलिटी का नाम आपको बताना है। हाँ जी, ऑप्शन है आपके पास, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, अशोक अशोक लक्ष्मण राव, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है डी। 2019 में तीन पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिया गया, तो आपको उन तीनों पर्सनैलिटी के नाम बताने हैं। हाँ जी, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है, और थर्ड पर्सनैलिटी भी बताइए। जी बिल्कुल, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका को दिया गया है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये अवार्ड पोस्टह्यूमसली मिला है, बट यहाँ ऑप्शन में आपसे नानाजी देशमुख पूछा गया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं नानाजी देशमुख की आपको फोटो दिखा देती हूँ, ये है नानाजी देशमुख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, ब्रह्मो सेकेंड इज अ डैश करंटली अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट बाय रशियाज NPO मोहिनोस्त्रियो एंड इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO।
जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया ने और इंडिया ने मिलकर बनाई है। तो आपको आपसे पूछा गया है ये कौन से टाइप की मिसाइल है, मेन बैटल टैंक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जल्दी से बताइए 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा। वैसे ये भी ये जो नाम है ब्रह्मोस जो बना है वो ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को रिवर के नाम पे बना है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया की फेमस रिवर है, वहां से लिया है फर्स्ट फोर लेटर, और मॉस्को रिवर जो है वो रशिया की रिवर है, वहां से ये नाम आया है ब्रह्मोस। तो रशिया और इंडिया ने मिलकर ये डेवलप की है। आपसे पूछे गए हैं ये किस तरह के मिसाइल है, तो जल्दी से मैंने आपको हिंट दे दिया है ये एक मिसाइल है। तो आपके फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए ये स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, हाइपरसोनिक है, सबसोनिक है, ये स्पीड के अकॉर्डिंग वैरी करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 20 का सही आंसर है, ये है हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज राइट आंसर, 10th का सही आंसर हो जाएगा बी। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, और स्पीड कितनी है ये आप जल्दी से बताइए। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ब्रह्मोस सेकेंड, उसकी स्पीड आपको बतानी है, ये मैक में मेजर की जाती है, 2.8 to 3 मैक अप्रोक्सीमेटली इसकी स्पीड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज महेश भूपति एसोसिएटेड। आपको बताना है महेश भूपति जो है वो निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस, कौन सा गेम खेलते हैं ये जल्दी से बताइए। 11th का सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये खेलते हैं टेनिस, ये टेनिस से एसोसिएटेड है, मोस्टली ये डबल में जो है टेनिस खेलते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, ये है महेश भूपति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु वॉन द वुमेन टाइटल एट द 2019 विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट। 2019 का जो विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट है वो किसने जीता है वो टाइटल। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिया था 2019 का, यहाँ पे 2018 का जो है टेनिस की रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, 12th का सही आंसर क्या होगा? जी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिमोना हैलेप ने ये अवार्ड जीता है, और किसको हरा के जीता है, जिनको हराया है वो भी काफी फेमस प्लेयर है। जल्दी से बताइए, सेरेना विलियम्स को हराकर सिमोना हैलेप ने ये अवार्ड, ये जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है ये जीता है, ये अपने नाम ये खिताब किया है। मैं आपको सिमोना हैलेप की फोटो दिखा देती हूँ, ये है सिमोना हैलेप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप मुझे बताना जो सिमोना हैलेप है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। बताइए विश्व युवा कौशल दिवस के 2019 संस्करण का विषय क्या है। 30th का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी इसकी थीम आपको बतानी है, तो जल्दी से बताइए। हाँ जी 20 का सही आंसर हो जाएगा, इसकी थीम है लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। 20 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, कीप इट अप, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट फंड थ्रू वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम। बताइए कौन सी स्टेट को सबसे पहले फंड मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत, जल्दी से बताइए। 40th का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, केरला इसका सही आंसर है। सबसे पहले जो फंड एलोकेट हुआ है वो केरला को हुआ है, केरला इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल जज ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट। आपको बताना है भारत के किस पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए कौन से जज की यहाँ पे बात हो रही है, 15th का आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, यहाँ पे बात हो रही है अर्जन कुमार सिकरी की, अर्जन कुमार सिकरी इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने ए दिया है आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव वाटर पॉलिसी। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसके पास जल नीति है? बताइए कौन सी स्टेट सबसे पहले ऐसी स्टेट बनी है जिसने अपनी वाटर पॉलिसी बनाई है। 60th का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये है मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स सेट अ रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन इन एन ओडीआई सिंगल गेम। आपको उन क्रिकेटर का नाम बताना है जिन्होंने रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है मोस्ट रन बनाने के लिए ओडीआई सिंगल गेम में। जल्दी से बताइए ये कौन सी पर्सनैलिटी की बात हो रही है जिन्होंने एक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड निम्न में से कौन से क्रिकेटर के नाम है? जल्दी से बताइए। 70th का सही आंसर ये है सचिन तेंदुलकर के नाम। ए इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सचिन तेंदुलकर आप सभी को पता होगा। मैं आपको फिर भी उनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये है सचिन तेंदुलकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है डैश इज द फर्स्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम। बताइए इस जो ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये जिसमें लैंड रिकॉर्ड जो है उनका कंप्यूटराइजेशन जो है वो किया गया था। तो बताइए इसका नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है। काफी चर्चा में ये रहा था और इसके बाद बहुत सारी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो जल्दी से बताइए। वैसे भी आप नाम से भी समझ गए होंगे लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन यहाँ पे किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूमि। भूमि है इस ऐप का नाम। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी जिन्होंने दिया है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है प्रदीप सिंह हु हैज क्रिएटेड अ न्यू कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड इन द क्लीन एंड जर्क कैटेगरी इज फ्रॉम विच स्टेट। बताइए प्रदीप सिंह जी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में अपने नाम जो है वो रिकॉर्ड किया है क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में। तो आपको बताना है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। प्रदीप सिंह आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 द राइट आंसर। ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। पंजाब में भी ये पर्टिकुलरली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जलंधर से। जलंधर से ये बिलोंग करते हैं। मैं आपको प्रदीप सिंह की फोटो दिखा देती हूँ। ये है प्रदीप सिंह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाईटेक फोरेंसिक लैब इन 2019। आपको बताना है निम्न में से किसने 2019 में भारत के पहले हाईटेक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। बताइए किन्होंने किया था। ऑप्शन है आपके पास उमा भारती, नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु या फिर राजनाथ सिंह ने। 20th का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ये इनोग्रेशन किया था राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। अभी बताइए इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। राजनाथ सिंह के पास जो है वो कौन सा, ये कैबिनेट में है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आपको पोर्टफोलियो बताना है इनका, कौन से पोर्टफोलियो इनके पास है। बिल्कुल सही, ये जो है इनके पास है डिफेंस पोर्टफोलियो। डिफेंस पोर्टफोलियो इसका इनके पास है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको राजनाथ सिंह की फोटो भी दिखा देती हूँ। ये है राजनाथ सिंह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नोमुरा कप एसोसिएटेड। आपको बताना है नोमुरा कप जो है वो कौन से खेल से संबंध रखता है। नोमुरा कप का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? बताइए जल्दी से बताइए। 21st का सही आंसर क्या होगा? ये दिया जाता है गोल्फ जो खेलते हैं उसके साथ ही एसोसिएटेड है गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 द राइट आंसर। वेरी गुड, 30 का सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन अर्गन चैंपियनशिप 2019। एशियाई अर्गन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जो है वो जीते थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास 21, 30, 37 या फिर 16 गोल्ड जो है गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते थे। 22nd का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे। 20 द राइट आंसर। वेरी गुड,
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच इंडियन मूवी हैज वोन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2019 सार्क फिल्म फेस्टिवल? किस भारतीय फिल्म ने 2019 सार्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? कौन सी मूवी की बात हो रही है? जल्दी से बताइए 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। ये जो है नगर कीर्तन मूवी ने ये अवार्ड जीता है। नगर कीर्तन इज द राइट आंसर, सी इज द सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 27th of August, 5th of June, 5th of July और 25th of November। जल्दी से बताइए। ये जो है कुछ डे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं में से है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये मनाया जाता है 5th of June को। इसके साथ साथ आप मुझे वर्ल्ड वाटर डे बताना, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इनका भी मेंशन करना कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है और बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विद विच स्पोर्ट इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड? अब आपसे पूछा गया है मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है उसका संबंध कौन से खेल से है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ट्रॉफीज होती हैं, जो कप होते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक कप पहले भी देखा था, अब ये सेकंड टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है मुरुगप्पा वर्ल्ड कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं इन एग्जाम्स में, तो जल्दी से बताइए 25th का सही आंसर क्या हो जाएगा। 25th का सही आंसर है सी, जो मुरुगप्पा वर्ल्ड कप है वो हॉकी से रिलेटेड है। 25th का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो ये भी बताइए, रणजी ट्रॉफी जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? जी बिल्कुल, ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन? जो जैसलमेर का किला है वो कहाँ पे जो है स्थित है, आपको ये बताना है। बताइए कहाँ आता है जैसलमेर फोर्ट? नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये भी काफी फेमस सिटी भी है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, और इसी के नाम पे यहाँ का फोर्ट भी है, जैसलमेर फोर्ट। तो सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड, राजस्थान इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं भी पता है बट आप कॉमन सेंस उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 26th का सही आंसर डी हो जाएगा। मैं आपको जैसलमेर फोर्ट की फोटो भी दिखा देती हूँ। ये है जैसलमेर का किला, जैसलमेर फोर्ट, और ये पूरी सिटी आपको दिखाई दे रही है, जैसलमेर सिटी है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो न्यू गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, वो किनको नियुक्त किया गया है, ये भी आपको लेटेस्ट बताने हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया गया है ताकि जो आपके लिए मोर रेलिवेंट रहे। तो बताइए 27th का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो अभी अभी जस्ट अभी सितंबर में ही इनकी नियुक्ति हुई है, 11th of September को ये गवर्नर का इन्होंने पद संभाला है हिमाचल प्रदेश के, तो करंट से भी आप एसोसिएटेड होंगे। तो जल्दी से बताइए 27th का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है बंदारू दत्तात्रेय, सी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो है गवर्नर का पद संभाला है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का, मैं आपको इनकी फोटो भी दिखा देती हूँ। ये है बंदारू दत्तात्रेय की फोटो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला? आपको वर्तमान में जो राज्यपाल हैं केरला के उनका नाम बताना है। ये भी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट रही होती है, चाहे वो सीएम की हो या गवर्नर की हो, तो वो जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जल्दी से बताइए 28th का सही आंसर क्या हो जाएगा। इनको अभी 6th of September में ही अपॉइंट किया गया था, तो बताइए जल्दी से आंसर दीजिए 28th का सही आंसर क्या होगा। बी इसका सही आंसर होगा, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को जो है वो नियुक्त किया गया है गवर्नर, राज्यपाल की पोस्ट पे केरला के। मैं आपको आरिफ मोहम्मद खान की फोटो भी दिखा देती हूँ। ये है आरिफ मोहम्मद खान,
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज फॉर्म्ड इन 1971, इनमें से किस देश का गठन 1971 में हुआ था? बताइए कौन सा देश बना था 1971 में। इंडिया का काफी कंट्रीब्यूशन रहा था इस कंट्री को बनाने में, तो जल्दी से बताइए। उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। जो 1971 में कंट्री बनी थी वो थी बांग्लादेश, सी इज द राइट आंसर। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, ईस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द 2019 कराची पूजा फेस्टिवल हैज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? खर्ची, ये खर्ची पूजा फेस्टिवल आपसे पूछा गया है। 2019 19 में खर्ची पूजा महोत्सव जो है वो कौन से राज्य में मनाया गया था? 30th का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, 30th का सही आंसर क्या है? ये मनाया गया था त्रिपुरा में। त्रिपुरा इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खर्ची पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनकी कैपिटल जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसीलिए एग्जाम में वो पूछी भी जाती है। तो आप मुझे इन सब चारों स्टेट की जो है कैपिटल भी मेंशन करना। नागालैंड की क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। चलो नागालैंड की मैं आपको बता देती हूँ, कोहिमा। बाकी तीनों की आपको बतानी है कि इनके कैपिटल क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रुपीज 10,000 मंथली अलाउंस फॉर पद्मश्री अवॉर्डीज? किस राज्य सरकार ने पद्मश्री विजेताओं के लिए 10,000 रुपए के मासिक भत्ते की घोषणा की है? बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? 31st का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किया है ओडिशा की सरकार ने, ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसी अनाउंसमेंट की है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, 20 इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच स्पोर्ट इज प्लेइंग विद द लेफ्ट हैंड नॉट अलाउड? किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है? कौन सा गेम है जिसको बाएं हाथ से नहीं खेला जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, टेनिस, गोल्फ, टेबल टेनिस और पोलो। 32 का जल्दी से आंसर दीजिए, 32 का सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। पोलो जो है, पोलो गेम में जो है लेफ्ट हैंड का यूज अलाउड नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, डी इज द सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब क्षितिज इन विच सिटी? भारतीय फिल्म डिवीजन के किस शहर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब क्षितिज की शुरुआत की गई है? बताइए, 33 ये की गई है मुंबई में। मुंबई इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने बी दिया है, मुंबई दिया है, आप सभी का बिल्कुल सही है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द 2019 आईपीएल फाइनल टेक प्लेस? आईपीएल 2019 का फाइनल इनमें से किस शहर में खेला गया था? कहाँ पे हुआ था आईपीएल फाइनल? 34th का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, सी हैदराबाद में ये हुआ था। हैदराबाद इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन कोच अपॉइंटेड टू द इंडियन क्रिकेट टीम? भारतीय टीम के लिए नियुक्त किए जाने वाले पहले विदेशी कोच कौन थे? आपको उन कोच का नाम बताना है, तो जल्दी से बताइए उनका नाम क्या था। 35th का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम था डंकन फ्लेचर। डंकन फ्लेचर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 35th का सही आंसर क्या होगा? डंकन फ्लेचर इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब अपॉइंट किए गए थे? ये रहे थे 2000 से 2005 तक, 2000 से 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इससे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्ड डॉलर 346 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू
टू फाइनेंस कर्नाटका स्टेट हाईवेज इम्प्रूवमेंट थर्ड प्रोजेक्ट, आपको बताना है किसके साथ ये जो है साइन किया गया है। लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है कर्नाटका स्टेट हाईवे की इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, ये प्रोजेक्ट है, तो बताइए किसके साथ ये लोन एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक। वैसे मोस्टली जो है लोन के जितने भी एग्रीमेंट रहते हैं डेवलपमेंट पर्पज के लिए, वो दो बैंक से ज्यादा रिलेटेड रहते हैं। एक होता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंस करता है, और दूसरा रहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपका आंसर इन दोनों में से ही एक है, तो जल्दी से बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर है डी। वेरी गुड, जिन्होंने डी दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है। ये जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है बैंक के साथ जो है ये लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विद विच स्पोर्ट इज गुरुदेव सिंह गिल एसोसिएटेड। गुरुदेव सिंह गिल का संबंध इनमें से कौन से खेल के साथ है, बताइए कौन सा गेम खेलते हैं गुरुदेव सिंह गिल, आपको बताना है फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग। 37 का जल्दी से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, ये जो है ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ए इज द राइट आंसर, फुटबॉल ये खेलते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इंडिया रैंक डैश इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2019। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, कौन सी रैंक आई है इंडिया की। ऑप्शन है आपके पास 17, 25, 43 या 23 रैंक आई है, जल्दी से बताइए 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया की आई है 17 रैंक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इनमें से कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास कलकत्ता, कटक, हैदराबाद या फिर दिल्ली। जी बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है कटक में। अब आपको ये बताना है जो कटक है ये कहाँ आता है, कौन सी स्टेट में आता है, जल्दी से मेंशन कीजिए कटक जो है वो कौन सी स्टेट में आता है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टर्म यूज्ड इन टेनिस। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो टेनिस में इस्तेमाल नहीं होता है, जो टेनिस खेलते होंगे उन सबको तो पता ही होगा, तो जल्दी से बताइए। नॉट पूछा गया है, तीन टर्म जो है वो टेनिस में यूज होती है और इनमें से एक है जो नहीं होती है। जी सेकेंड सर्व भी होता है, ड्यूज भी होता है और वॉली भी होता है, ये तीनों टर्म टेनिस में होती हैं, लेकिन जो स्लैम डंक होता है ये नहीं होता है। ये कौन से गेम में होता है जल्दी से बताइए, स्लैम डंक जो है वो कौन सी गेम में यूज होता है, ये होता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल गेम में जो है ये टर्म यूज होती है स्लैम डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया सेट अप। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, कौन से ईयर में हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कौन से ईयर में सेटअप किया गया था, जल्दी से बताइए। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1952 में ये इसकी स्थापना की गई थी, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने ये दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वर रिसीव्ड बाय विराट कोहली एंड मीरा बाई चानू इन सितंबर 2018। सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीरा बाई चानू को कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया था, इनको कौन सा जो है अवार्ड दिया गया था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये भी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अगर आपको अवार्ड पता है कि कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है तो जल्दी से बताइए। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, डी इज द राइट आंसर। आपको इन चारों अवार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किनको, किन प्लेयर्स को दिया जाता है, या फिर जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको इन चारों अवार्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च आ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। बताइए निम्न में से किस संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के नाम से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। जब ये लॉन्च किया गया था तो बहुत न्यूज में था, बहुत चर्चा में है ये, तो जल्दी से बताइए कौन सी जो है संस्था है जिन्होंने ये किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, कौन से संगठन ने, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास इसरो ने किया है, DRDO, नासा या फिर BARC। जी बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसरो का इनिशिएटिव है। और इसमें है क्या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में क्या है, इसमें है जो 9th class, 8th, 9th class के स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है हर स्टेट से कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको जो है स्पेस के बारे में इसरो में ही जानकारी दी जाएगी। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अवॉर्डेड नरेंद्र मोदी विद द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताइए कौन सी कंट्री ने अवार्ड दिया है मोदी जी को। ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर रशिया। रशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने डी दिया है आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये अवार्ड रशिया की तरफ से मिला है। मैं आपको इस ये जो एपोस्टल होता है सेंट एंड्रयू द एपोस्टल उसकी फोटो भी दिखा देती हूँ, इस तरह का ये अवार्ड होता है और ये है मोदी जी को जो दिया गया है। रशिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, और इस तरह से ये जो है दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव इंडियाज फर्स्ट NBA बास्केटबॉल स्कूल बीन स्टार्टेड। बताइए इनमें से किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल विद्यालय जो है वो खोला गया है, कहाँ खोला गया है। 45th का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, ये खोला गया है मुंबई में, डी इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है खंडवी के बारे में, खंडवी इज द डेलिकेसी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। खंडवी जो है भारत के किस राज्य का पकवान है। ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। 46th का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ये जो है गुजरात का पकवान है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप नाम से भी समझ गए होंगे, खंडवी, खाखड़ा, ढोकला, इस तरह के जो है ये गुजरात के काफी फेमस जो है डिशेज रहती हैं। मैं आपको खंडवी की फोटो भी दिखा देती हूँ, इस तरह की होती है खंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैसे महाराष्ट्र में भी बनती है लेकिन मोस्टली ये जो है गुजरात की ही कंसिडर्ड की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन है आपके पास नंदिनी सतपाठी, सुचेता कृपलानी, जानकी रामचंद्रन या फिर जयललिता, जल्दी से बताइए। 47th का सही आंसर क्या होगा, 47th का सही आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बी का सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और ये कब बनी थी और कहाँ की बनी थी ये भी बताइए, जल्दी से मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल सही, ये 1963 से 67 तक इनका टर्म रहा था और कहाँ का रहा था, यूपी का। उस टाइम पे यूपी की फुल फॉर्म होती थी यूनाइटेड प्रोविंस, अब है उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस की ये जो है चीफ मिनिस्टर रही थी। तो मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, सुचेता कृपलानी की, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने काफी जो है अहम भूमिका निभाई थी। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, ये है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ये भी एक न्यू अपॉइंटमेंट रही है, प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछे गए हैं ग्रीस के, जल्दी से बताइए उनका नाम। 48th का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम है काइरिकोस मित्सोताकिस, इज राइट आंसर, इसका नाम, इनका नाम जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ,
ये हैं ग्रीस के जो पीएम जो हैं अपॉइंट हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च रोमिप्लास्टिन टू ट्रीट क्रॉनिक आईटीपी। बताइए कौन सी फार्मा कंपनी ने जो है इंडिया की पहली ये कंपनी है जिन्होंने लॉन्च की है मेडिसिन का नाम दिया है आपको रोमिप्लास्टिन, जो क्रिएट करेगी क्रॉनिक आईटीपी। कौन सी फार्मा कंपनी ने ये लॉन्च की है जल्दी से बताइए। 49% आंसर क्या हो जाएगा, ये किया है इंटास ने। इंटास इसका सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। लास्ट में आपसे पूछा गया है, विच आईटी कंपनी हैज पार्टनर विद AICTE टू इक्विप स्टूडेंट विद करियर स्किल। छात्र के करियर संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने AICTE के साथ साझेदारी की है। बताइए कौन सी कंपनी ने की है। 50th का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर होगा। ये साझेदारी की गई है TCS के साथ, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।